हाय गाइस, मैं शांत नो, आप देख रहे हैं क्रिएशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस को वन यूआई में। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वन यू आई 3 में तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप गूगल का फोल्डर में आइकन्स देखिएगा तो इसमें आपको वन यू आई से इंस्पायर आइकन्स देखने को मिल जाता है। गूगल का फोल्डर होम स्क्रीन में आपको सिमिलर विजेट देखने को मिलता है, वॉलपेपर भी आपको वन यू आई का देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिएगा इसका होम स्क्रीन या टूल का फोल्डर में तो वहाँ पर भी आपको वन यू आई वाला आइकन पैक जो है ओवरऑल सभी जगह में देखने को मिलता है और काफ़ी क्लीन और मिनिमल लुक भी देखने को मिल जाता है। और अगर आप चाहिएगा इसका कंट्रोल सेंटर नहीं स्टेटस बार में तो उसमें आपको जो है वन यू आई का वन सेट देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं आपको जो सेम वन यू आई का एक्सपीरियंस दे सकता है। और अगर आप जाइएगा इसका सेटिंग्स में तो सेटिंग्स में भी आपको जो है सेम टॉगल्स देखने को मिलेगा। अगर आप डार्क मोड यूज़ कीजिए तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड ऑब्वियसली, और अगर आप लाइट मोड यूज़ कीजिए तो आपको जो है वाइट बैकग्राउंड देखने को मिलने वाला है। और अगर आप देखिए इसका वन यू आई मतलब कि अबाउट फोन में चाहिएगा तो उसमें आपको वन यू आई चेंज कर दिया गया। और आप अगर MIUI 12 का लोगो सर्च कीजिएगा तो वो भी जो है हटा के वन यू आई का डाल दिया गया। तो ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग थीम है। अगर आप चाहिए इसका ऑल स्पेक्स में तो उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। और अगर आप चाहिए इसका एडिशनल सेटिंग में तो उसमें भी जो आपको थोड़ा बहुत चेंजेस, जैसे कि सेपरेशन या काइंड ऑफ थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ आपको टेक्स्ट देखने को मिलता है। और अगर आप चाहिए इसका डायलर और मैसेजेस ऐप तो वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि गूगल डायलर और मैसेजेस ऐप चेंज नहीं होता है। और अगर आप चाहिएगा बाकी जैसे इसका वॉल्यूम स्लाइडर तो वो भी आपको जो है कुछ डिफरेंट, जैसे कि वन यूआई जैसा मेरे को एक्सपेक्टेशन था जो कि नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं, कभी चेंज हो सकता है क्योंकि ऋतिक शर्मा थोड़ा सा ट्राई हार्ड वाला बंदा है तो आई गेस वो कर सकता है। और अगर आप चाहिए इसका लॉक स्क्रीन में तो लॉक स्क्रीन में आपको जो है वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और जितना भी आपका सैमसंग एम सीरीज का वॉलपेपर्स है सभी आपको, या नोट सीरीज का सभी आपको जो वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। कुछ आपको एक्सक्लूसिव आपका डिजाइनर की तरफ से वॉलपेपर ऐड किया गया जो कि आप देख सकते हैं। और आपको जो सिमिलर वन यूआई जैसे कि आपका सैमसंग डिवाइस वैसे आपका डिवाइस जो है पूरा कंप्लीट लुक मिलने वाला है। तो अगर आपको चाहिए तो ये थीम आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा थीम स्टोर में जाके वन यू आई इलाइट। जैसे आप सर्च कीजिएगा वन यू आई इलाइट तो आपको जो है ये थीम मिल जाएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए वन यू आई इलाइट को और बताइए आपको कैसा लगा ये थीम। आई होप कि शायद आपको जो ये थीम अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए ऑब्वियसली सभी कुछ करना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको और भी थोड़ा फर्दर कस्टमाइज करना है तो उसके लिए आप जो है वन यू आई का फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप फॉन्ट सेक्शन में जाके सर्च कीजिए वन यू आई तो आपको जो ये भी मिल जाएगा। और आपको जो है दोनों ही वन यू आई एलाइट और वन यू आई का फॉन्ट दोनों डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद भी आपको जो है और अगर फर्दर कस्टमाइज करना है तो आपको जो है बस आपको जाना होगा सेटिंग्स में और आपको जाना होगा फिर आइकन साइज में जाके जो है आइकन साइज आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, जैसे कि आपको वन यू आई के डिवाइस में देखने को मिलता है जो कि आपका वन होम के नाम से उसका लॉन्चर। तो वैसा अगर आपको वो लॉन्चर भी चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आप मतलब पार्ट टू इसका मांग मतलब कि ऑब्वियसली डिमांड कीजिए, कमेंट कीजिए तो आपको जो उसमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आप अगर वो इंक्रीज कर देंगे आइकन्स का साइज तो आपको जो वो भी काफ़ी सिमिलर लुक देखने को मिल जाएगा। और अगर आप चाहिएगा नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर में, और अगर आप चाहिएगा नया वाला को डिसेबल करके ये वाला को डिसेबल करके आप अगर पुराना स्टेटस बार जो कि आपका MIUI 11 में देखने को मिलता है वो अनेबल कर लीजिएगा तो आपको जो है वन सेट देखने को मिल जाएगा वन UI का। तो ऑब्वियसली ये एक ट्रिक है जो कि आपको कंप्लीट सैमसंग वन UI 3.0 का लुक दे सकता है आपका कोई भी रेडमी शाओमी या पोको डिवाइस में। तो आई होप कि शायद आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चाहिए वीडियो को लाइक मारिए। चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो और ऐसा वीडियोस आपको चाहिए तो आपको चैनल पे डेली वीडियोस मिलता है तो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन को ऑल में रख के वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी सजेशन रिकमेंडेशन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूँ तो कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल। चैनल सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है, तो यही कर दीजिए।